हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर फाइलम दैट वी से फॉर ए निडा. एक्चुअली दे लुक लाइक हॉर्स शू. लुक एट दिस. सो सिंपली ये हॉर्स शू एनिमल्स हैं या वर्म्स टाइप हैं, तो इस वजह से इनका नाम फोरे या फोरेनिडा हम कहते हैं. और ये इनकी इंटरनल एक तस्वीर है, मिलर हाले से मिली है, और ये जो है ना एक लाइव इनकी तस्वीर है. लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ फाइलम फोरेनिडा. फोरेनिस आर्किटेका इन फॉरेनस स्पेशीज. दुनिया में 20 स्पेशीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं. एस वी कॉमनली कॉल दिस फाइलम इज हॉर्स शू वर्म. इनको हम हॉर्स शू वर्म्स कहते हैं. दिखने में वर्मी फॉर्म से, वर्मी फॉर्म इस वर्म जैसे होते हैं. फाउंड इन द मैरीन एनवायरमेंट, स्पेशली बेंथिक रीजन होते हैं और यहाँ बेंथिक में दे फॉर्म अ ट्यूब एंड दैट ट्यूब दे लिव. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द बेंथिक ट्यूब ड्वेलर. सो दैट लिव इन ट्यूब सीक्रेट बाय द स्पेशल ग्लैंड. इनमें स्पेशल ग्लैंड पाए जाते हैं जो एक ट्यूब सीक्रेट करते हैं, वो उस ट्यूब में रहते हैं. जैसे आपने कोरल्स के बारे में सुना पढ़ा होगा, जो हमने यहाँ पढ़ा था कोरल रीफ्स के बारे में, कि कोरल्स फॉर्म अ रीफ अराउंड देम, तो उसमें वो पाए जाते हैं. तो ये भी जो है ना अपना ग्लैंड जो है ना स्पेशल ग्लैंड के थ्रू ट्यूब सीक्रेट करते वहाँ पाए जाते हैं. ये सॉलिटरी हैं, अकेले भी रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं. थाउजेंड इंडिविजुअल्स कंबाइन टू फॉर्म टू लिव टुगेदर. और इनमें जो फूड गैदरिंग का मैकेनिज्म है वो फिल्टर फीडिंग है, कि लोफोफोर स्ट्रक्चर मींस ग्रुप ऑफ टेंटिकल इनमें पाए जाते हैं. लोफोफोर बेरिंग, लुक एट दिस वन. तो इन लोफोफोर स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ना वो फूड को फिल्टर करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, और उससे जो है ना वो फूड पार्टिकल जो है ना वो इंगल्फ करते हैं माउथ में. इनकी बॉडी साइज 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मेजर जो है 3 पार्ट्स. ये इस पार्ट को हम एपिटॉम्स कहते हैं. फिलेप शेप होती है, इट्स अ फिलेप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स नोन एज एपिटॉम. और इस स्ट्रक्चर में जहाँ लोफोफोर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मीसो स्टोम कहते हैं. एपिस्टोम द अपर वन, यहाँ जहाँ लोफोफोर होते हैं उसको मीसोस्टोम्स कहते हैं. और नीचे जो ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर है ये सारी स्ट्रक्चर को हम मेटास्टोम कहते हैं. क्या कहते हैं, मेटा. सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एपिस्टोम, मीसोस्टोम्स एंड मेटास्टोम्स. And it has gut, and gut is complete. कि इनमें mouth भी पाया जाता है. Look at this one, this is the mouth region, और इनमें anus भी पाए जाते हैं. तो इनकी position almost एक जैसी होती है. तो mouth जो होता है, जो इनमें gut होती है, वो ये क्या है, this is the U shape. Gut is the U shape. रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दे हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट आप देख सकते हैं, दे हैव ओवरी एज वेल एज द टेस्टिस. फॉसिल्स रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है या न होने के बराबर है, स्केंटी है, वेरी रेयर जो है. मॉलिक्यूलर स्टडी के मुताबिक ये फोरोनिड्स जो है ना ब्रैंकियोपोड्स का सिस्टर ग्रुप. क्योंकि आप जानते हैं लोफोट्रोकोजोआंस एक क्लेड है, तो उस क्लेड का ये एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट. क्योंकि इसमें
लोफोफोर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें लोफोफोर या ट्रोकोफोर स्ट्रक्चर पाए जाए तो उनको मिला करके एक क्लेड बनाया गया जिसको हम लोफो ट्रोकोजोआन कहते हैं। तो ये फोरनीड्स और ब्रैकियोपोड्स जो है ना, दे आर सिस्टर ग्रुप ऑफ दिस लोफो ट्रोपोजोआ क्लेड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ये बातें जो है ना हमने इन रेफरेंस से ली हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।